पार्टी कांग्रेस या बीजेपी और किस नेता मोदी या राहुल के लिए फायदेमंद रहे हैं? पिछले 3 महीने के जो घटनाक्रम रहे हैं वो मोदी के लिए ज्यादा हानिकारक और अपरोक्ष रूप से जो समाज में वर्णित नहीं है या दबी जुबान में लोग बोल नहीं रहे हैं, पुलवामा हमले से लेकर के देश की सुरक्षा तक या और भी अन्य भाजपा के अंदर जो विघटनकारी बातें हुई हैं वो निगेटिव में गया है ग्राफ बीजेपी का। और प्रियंका गांधी का आना या कुछ बीजेपी के राजनेताओं की दबी जबान में कांग्रेस को समर्थन करना, ये ग्रहों के समीकरण के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में कुंडलियों में के ग्रह नक्षत्र और राहुल और मोदी के भाग्य को कैसे प्रभावित करेंगे? जी, मुख्य बात यह है, लोग बोलते हैं कि राम और रावण की एक ही राशि थी, वो अलग